Hello students, welcome again all of you in your geography classes and I hope you are spending quality time with your family and doing regular studies. So let's continue the chapter Sikkim structure and physiography, and we are studying the physiography of India. And in this physiographic division we already read the Himalayan region, northern plain, peninsular plateau and the Indian desert. Today we will read the coastal plains. So the fifth physiographic division of India is coastal plains. Coastal plains, so look at here. As you know, this is Deccan Plateau, and in Deccan Plateau this part is Western Ghat and this part is Eastern Ghats. We already read about that. And here is the Arabian Sea and Bay of Bengal. So the part between Western Ghats and Arabian Sea, these are the Western Coastal Plain. Western Coastal Plain. And in between the Western Ghats and Bay of Bengal, here is the Eastern Coastal Plains. So let's study them in detail. Firstly, we discuss the Western Coastal Plain, that is here. So in Western Coastal Plain, there are many submerged port. बहुत सारे port हैं, जैसे कि कांदला port, माजागांव port, जवाहरलाल नेहरू port, मर्मगोवा port and कोचीन पोर्ट. क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि ये जो कोस्टल लाइन है इसकी, ये बहुत ज्यादा डिसकंटिन्यू है, जिसकी वजह से जो पोर्ट होते हैं उनको पोर्ट बनाने के लिए स्पेस यहाँ पर मिल जाता है. एंड रीजनली अलग अलग स्टेट वाइज इसके अलग अलग नाम है. हर रीजन में इसको कोस्टल प्लेन को अलग नाम दिया जाता है. जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है, गुजरात में इसे कच्छ और काठियावाड़ प्लेन्स कहा जाता है, महाराष्ट्र में कोंकण कोस्ट कहा जाता है, इधर इसको कोंकण बोलते हैं, एंड कर्नाटका में इसको गोवा कोस्ट बोलते हैं, एंड केरला में मालाबार कोस्ट, हियर इज द मालाबार कोस्ट. तो ये कुछ इसके रीजनली नेम है. वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्टर्न कोस्टल रीजन इज कयाल. व्हाट इज द कयाल? दिस इज द रीजनली नेम ऑफ बैकवाटर. जो बैकवाटर है उनके रीजनली कयाल बोला जाता है. बैकवाटर मीन्स जब कोस्टल लाइन से अंदर की तरफ कोई ऐसा स्पेस हो जो एक लेक की फॉर्म ले ले, उसे कयाल कहा जाता है. तो ये कुछ कयाल है वो इस रीजन में पाई जाती है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में. तो ऐसे ही एक कयाल है जो कि केरला में है, केरला में पुनामाड़ा कयाल है, जहां पर की एक बोट रेस होती है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है. जीके में भी क्वेश्चन आता है, बोट रेस होती है जिसे वलमकली कहा जाता है. सो यहां पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में बहुत सारी कयाल्स, जिसे बैकवाटर कहा जाता है, ऐसा कुछ रीजन होता है जिसे जिससे कि जो लेक है उसको बनने का स्पेस मिल जाता है. तो ये जो लेक होती हैं, इनको कयाल कहा जाता है रीजनली. एंड ऐसे ही कयाल पुनामाड़ा है वो केरला में है, एंड यहाँ पर बोट रेस होती है जिसे वलमकली कहा जाता है. तो नेक्स्ट कोस्टल प्लेन रीजन इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, दैट इज द बे ऑफ बंगाल एंड बिटवीन द ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. एंड अगर नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन देखें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, तो ये गंगा बेसिन है यहां पर वेस्ट बंगाल में, गंगा बेसिन टू कन्याकुमारी. गंगा बेसिन टू कन्याकुमारी इसका एक्सटेंशन है नॉर्थ टू साउथ. सो इसके विड्थ की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में इसकी विड्थ है. तमिलनाडु में दैट इज 100 टू 120 किलोमीटर, जबकि कुछ रीजन में इसकी विड्थ है वो 32 किलोमीटर तक भी है. तो ऐसा ये ऐसा नहीं है कि हर जगह पर विड्थ है वो सेम है, कहीं पर विड्थ ज्यादा है कहीं पर कम है, लेकिन हाईएस्ट जो विड्थ है वो तमिलनाडु में है.
नेक्स्ट, यहाँ पर बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के मर्ज होती हैं, तो वो यहाँ पर डेल्टा भी बनाती है। तो डेल्टा होने की वजह से यहाँ पर ये फर्टाइल रीजन भी इसे कहा जाता है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी जो बड़ी नदियां हैं वो यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं और उसके बाद में वो बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। इसलिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है। जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के हमने रीजनली नाम पढ़े थे कि किस रीजन में इस प्लेन को क्या कहा जाता है, ऐसे ही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को भी डिफरेंट रीजन में डिफरेंट प्लेन कहा जाता है। जैसे कि महानदी टू कृष्णा रिवर, महानदी टू कृष्णा इसे नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है एंड कृष्णा टू कावेरी इसे कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। सो ये इसके रीजनली नेम है कुछ। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कुछ लेक्स भी हैं जैसे चिलिका लेक एंड पुलिकट लेक, ये बहुत ज्यादा फेमस है। नाउ वी लुक एट द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो सबसे पहले इसका पॉइंट है कि वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच में है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। हमने अभी पढ़ा था ये वेस्टर्न घाट है एंड ये अरेबियन सी है, तो इनके बीच में है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जबकि ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट। नेक्स्ट, नैरो, जो ईस्टर्न को जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसकी विड्थ ज्यादा नहीं है, वो नैरो है, 64 किलोमीटर तक है इसकी विड्थ, जबकि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसकी विड्थ 80 to 100 किलोमीटर है, जो कि तमिलनाडु में तो 120 किलोमीटर तक है। तो ये ज्यादा वाइड है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में स्मॉल रिवर्स फ्लो होती हैं, जैसे नर्मदा है, तापी है, इनका जो कोर्स होता है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, और क्योंकि अपने साथ में ये ज्यादा सेडिमेंट नहीं लेके आती, इनका कोर्स छोटा है, तो ये डायरेक्ट अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है एंड वहां से एस्चुरीज कहा जाता है। रीजन इज दैट कि क्योंकि सेडिमेंट नहीं है तो कोई लैंडफॉर्म इन्होंने बनाया ही नहीं, ये डायरेक्ट ओपन, मतलब ओपन माउथ होता है सी के साथ में, डायरेक्ट ये मिल जाती है, जिन्हें एस्चुरी कहा जाता है। और इसका अपोजिट जो ईस्टर्न घाट्स की जो रिवर्स है, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, तो ये रिवर्स है ये क्योंकि इनका कोर्स काफी बड़ा है, काफी ज्यादा पाथ ये फॉलो करती हैं, तो ये अपने साथ में बहुत सा सेडिमेंट लेके आती है जिसको ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में डिपोजिट करना स्टार्ट करती है एज अ डेल्टा। सो यहाँ पर डेल्टा ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज मेनीपोर्ट, क्योंकि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसमें वो बहुत ज्यादा हर जगह से उसमें बहुत ज्यादा कट्स हैं, जिसकी वजह से वहां पर पोर्ट ज्यादा है, जबकि जो अगर इसका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हम देखें तो वहां पर कट इतने ज्यादा नहीं है, तो पोर्ट अगर हम देखें तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में ज्यादा पोर्ट है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो हियर आर सम डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्लेन्स एंड ये क्वेश्चन भी बनता है, सो इट इज इम्पोर्टेंट। एंड नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ इंडिया, दैट इज आईलैंड। So island group we can say that because in India there are two groups of island. Here is one island group is in Arabian Sea, that is Lakshadweep, and one island group is in and a group of island is in Bay of Bengal, that is Bay of Bengal. Here, in north region Andaman, and in south region there is a Nicobar. So here are some island group of India. Now we will discuss about the western island group, that is Lakshadweep. So total island groups in Lakshadweep island is 36 islands. छोटे छोटे 36 islands हैं जिन्हें मिलाकर के पूरा लक्षद्वीप island कहा जाता है। सो ये अरेबियन सी में है एंड यहाँ का जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो है मिनिकॉय आइलैंड एंड इसका जो एरिया है वो है 453 स्क्वायर किलोमीटर। एंड यहाँ पर एमनी आइलैंड एंड कैनानोरा आइलैंड है, उनके बीच के जो लैटिट्यूड है वो 10 डिग्री है, सो इसे 10 डिग्री चैनल
का नाम दिया गया है। एंड केरला से जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स हैं, केरला से 280 किलोमीटर तक उनका डिस्टेंस है। मतलब केरला से कुछ जो आइलैंड्स हैं वो 280 किलोमीटर तक हैं डिस्टेंस पर हैं, एंड कुछ आइलैंड्स हैं वो 480, मतलब मिनिमम 280 टू 480 किलोमीटर दूर है केरला से लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ईस्टर्न आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, दैट इज अंडमान एंड निकोबार, एंड इट इज इन बे ऑफ बंगाल। सो यहां पर भी 10 डिग्री चैनल है जो दो आइलैंड ग्रुप को क्रॉस करता है, दैट इज रिची आर्चिपेलागो एंड लिब्रेथन आइलैंड। और 10 डिग्री चैनल को नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि 10 डिग्री लैटिट्यूड पर है। एलिवेटेड सबमरीन माउंटेन, जो आइलैंड हमें दिखाई दे रहे हैं अरेबियन सी में, ज्यादातर इनमें से मोस्टली हैं वो सबमरीन माउंटेन है, मतलब पानी में डूबे हुए माउंटेन है। किसी टाइम पर माउंटेन थे जो अभी पानी में डूब गए हैं, और जो उनका ऊपर का हिस्सा है जो अभी आइलैंड हमें दिखाई दे रहा है। और यहां पर वॉल्केनिक आइलैंड भी है, कुछ आइलैंड यहाँ पर वॉल्केनिक आइलैंड भी है। वॉल्केनो इरप्शन से जो मैग्मा बाहर निकलता है उसके डिपोजिट होने से इन आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है। सो यहां पर निकोबार में एक बैरन आइलैंड है, ये इंडिया का ओनली एक एक्टिव वोल्केनो है। अभी अगर हम टोटल आइलैंड की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार में 572 स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स हैं, एंड नॉर्थ में अंडमान है एंड साउथ में निकोबार है। क्योंकि अंडमान एंड निकोबार एक इक्वेटोरियल एरिया है, तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो भी इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी, एंड यहाँ पर बार बार रेनफॉल होती है क्योंकि कन्वेंशनल रेनफॉल है यहाँ पर, कि सनलाइट बहुत तेज है और उसके बाद में टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, एंड इवोपरेशन बहुत ज्यादा स्पीड से होता है, एंड उसके बाद में कंडेंसेशन होता है एंड बारिश होती है। तो मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, उसके बाद में सडनली बारिश होने लगती है, फिर सनी हो जाता है डे। तो ऐसा यहाँ पर क्लाइमेट मिलता है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। वेजिटेशन भी ऐसी है कि यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं इन रीजन में। एंड यहाँ पर अगर हम पीक्स की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, दैट इज सैडल पीक है देओले, ये अंडमान में है सैडल पीक। उसके बाद में देओले, ये मिड में है अंडमान एंड निकोबार के। उसके बाद में है कोया, ये साउदर्न अंडमान में है, एंड ये थुलर है, ये निकोबार में है। तो दीज आर द सम ऑफ द पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार रीजन। सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, एंड इन दिस चैप्टर वी रीड द ऑल द फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ इंडिया। द फर्स्ट वन इज, वेन यू रिमेंबर, फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, सेकेंड वन इज गंगा ब्रह्मपुत्र एंड इंडस प्लेन, द थर्ड वन इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, द फोर्थ वन इज थार डेजर्ट, एंड द फिफ्थ वन इज कोस्टल प्लेन, एंड द लास्ट वन इज आइलैंड ग्रुप। हियर वी कंप्लीट द चैप्टर, सो मेक प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ मैप। एंड अगेन आई टेल यू, इफ यू हैव एनसीईआरटी बुक or any other book, then read the chapter. You will be able to learn the region's name, learn the peaks names. These are very important, and practice of map is must in this chapter. इस chapter में आपको map के practice तो करनी है, बहुत ज्यादा important है। And students, as you know, books are our best friend. हमारी best friend होती है books. So instead of waste your time on TVs, watching TVs and phones, आप रीडिंग, मेक इट योर हैबिट, आप हैबिट डालिए रीडिंग की, अपनी हॉबी बनाइए, पढ़िए जितनी ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं, और इससे आपका जो जनरल नॉलेज है वो इंक्रीज होगी एंड आपको फ्यूचर में काम आएंगी बहुत सारी चीजें। सो मेक इट योर हैबिट कि आपने रीडिंग करनी है। एंड अभी आप लोग फोन का यूज कर रहे हैं अपनी स्टडीज के लिए, तो वो एक आप पॉजिटिवली वे में कर रहे हैं उसको, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारा जो क्लासेस है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो टीचर्स अपना पूरा फुल एफर्ट करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फोन को आप सिर्फ अपना होमवर्क यूज करने के लिए ही यूज करें, अदरवाइज आप एडिक्ट मत बनिए फोन के कि आप 24 घंटे आपके हाथ में फोन है एंड आप उसको बार बार यूज कर रहे हैं। एंड ओबे योर पेरेंट्स एज यूजुअल, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, बेस्ट ऑफ लक, कीप सेफ, थैंक यू।